हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम साइंस के वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पीट हो चुके हैं। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल रहेगी और हर एक क्वेश्चन के साथ उनके हम कॉन्सेप्ट भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो ए ऑप्शन दिया है उच्च वेग, तो ये होगा मेघ से संबंधित। सेकंड दिया है तरंग धैर्य, तो ये संबंधित होगा एंगस्ट्रॉम से। सी है दाब, तो ये संबंधित होता है पास्कल से। डी है ऊर्जा, तो ये संबंधित है जूल से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट को उच्च वेग, तो ये संबंधित है मेक से। अब मेक नंबर क्या होता है, मेक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मेक नंबर होता है ये होता है किसी माध्यम में, किसी माध्यम में ऑब्जेक्ट की चाल, ऑब्जेक्ट की चाल बटे में उसी माध्यम में, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ये होता है मेक नंबर। फिर से रिपीट कर देते हैं, मेक नंबर होता है कि किसी माध्यम में ऑब्जेक्ट की चाल बटे में उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया था तरंग धैर्य यानी कि वेवलेंथ, तो ये संबंधित होता है एंगस्ट्रॉम से, ये इसकी इकाई है। अब समझते हैं वेवलेंथ क्या होती है। तो यहां पे मैं कोई वेव बना देता हूं इस तरह से। तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जब ये वेव अपना एक पूरा सर्कल इस तरह से कंप्लीट कर लेती है, उसे हम बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। रेड कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। और इसकी इकाई है एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था दाब, तो दाब किसकी इकाई है, सॉरी दाब की इकाई है पास्कल। लास्ट है ऊर्जा, तो ऊर्जा की इकाई है जूल। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक जूल में कितनी ऊर्जा होती है, तो एक जूल में होती है 0.24 कैलोरी, और एक कैलोरी में होती है 4.18 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, फर्स्ट दिया है हमारे पास दूरी, तो दूरी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रकाश वर्ष के साथ। सेकंड ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा, तो ये संबंधित है मोल के साथ। थर्ड दिया है विद्युत आवेश की मात्रा, तो ये संबंधित है कूलम्ब के साथ। और फोर्थ है ऊर्जा, तो ये संबंधित है वाट के साथ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, फर्स्ट दिया है दूरी के बारे में, तो प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी की यूनिट है। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश एक साल के अंदर निर्वात में जितनी दूरी तय करता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। लिख देता हूं, प्रकाश द्वारा एक साल में निर्वात में तय की हुई दूरी,
इसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ये लगभग होती है 95 लाख किलोमीटर की। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये है पारसेक। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इसे बोला जाता है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के, यानी प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मीटर में देखें तो इसकी वैल्यू होगी 3.08567 × 10^16 मीटर। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें क्या पता चला कि प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई एक साल में जितनी दूरी होती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ये लगभग होती है 95 लाख किलोमीटर की। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड था पदार्थ की मात्रा, तो ये संबंधित है मोल के साथ। अब एक मोल की क्या वैल्यू होती है, तो ये होती है 6.022 × 10^23 एटम, तो ये एक मोल के बराबर होता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसे बोलते हैं हम एवोगाड्रो नंबर। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है एवोगाड्रो जो संख्या है उसकी वैल्यू क्या है, तो ये होती है 6.022 × 10^23 एटम, इसे बोलते हैं एक मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन था विद्युत आवेश की मात्रा, तो ये संबंधित थी कूलाम से। अब यहाँ पे कूलाम का नाम आया है तो हम कूलम्स ला भी पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। फ्रेंड मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराता चलूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे कूलाम है जो आवेश मापने की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, इसे बोलते हैं कूलाम। तो यहाँ पे कूलम्स ला हम पढ़ लेते हैं, कूलम्स ला। तो कूलम्स ला क्या कहता है, F = K Q1 Q2/R2। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 और ये है Q2। तो कूलम्स ला क्या कहता है कि कोई भी दो आवेश है जैसे Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उन दो आवेशों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मान की, तथा उनके बीच की दूरी होती है जड़ी वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इस फॉर्मूले से जो फोर्स लग रही है दो चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्ज के मान के वैल्यू के बराबर, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के बीच की दूरी के। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दिया है कि फर्स्ट तो यही है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स है जो इक्वल होगा, फोर्स है जो इक्वल होगा। सेकंड पढ़ लेते हैं, सेकंड दिया है कि दोनों आवेशों के बीच का बल माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा, कि यहाँ पे ये दो चार्ज रखे हैं तो ये किसी अगर हम निर्वात में रख दें तो फोर्स अलग होगी, अगर किसी और माध्यम में हो तो फोर्स के ऊपर जो असर पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट था कि दोनों आवेशों के बीच का बल है जो वो किसी ना किसी मीडियम माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा।
थर्ड पढ़ते हैं तो थर्ड इसकी कंडीशन थी कि दोनों आवेशों की जो ओपोजिट फोर्स है वो एक ही लाइन पे ऊपर होगी। तो देखिए जैसे ये दो आवेश पड़े हैं यहाँ पे Q1 Q2, इनके दोनों के बीच अगर फोर्स लग रही है, अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये एक लाइन के ऊपर ही फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी, ये नहीं कि ये इधर चला जाएगा या फिर इधर चला जाएगा। तो ये भी इसी लाइन के ऊपर ये एक दूसरे को उल्टा है जो ओपोजिट रिपेल करेंगे, या फिर जो चार्ज है वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसी लाइन के ऊपर क्या है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट था ऊर्जा, तो ऊर्जा संबंधित है वाट से, तो ये भी पढ़ लेते हैं, इसका भी हम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन दिया था कि ऊर्जा संबंधित है वाट घंटे से। अब इसी नाम से हम पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर कर लेंगे। इसी तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं क्वेश्चन को लेके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपको। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हम इस क्वेश्चन से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में घुस चुके हैं, तो देखते हैं। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले शक्ति के बारे में, पावर के बारे में पता होना चाहिए। तो पावर क्या होती है कि जब हम घरों में कोई बल्ब या वगैरह जगाते हैं, लाइट वगैरह, तो ये क्या है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होता है, ऊर्जा की खपत हो रही होती है, और वो किसी ना किसी टाइम के साथ हो रही होती है कि इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होता है और किसी ना किसी टाइम के साथ, तो इसी को कहते हैं पावर। देखते हैं कैसे, P इज इक्वल टू होता है E बटे में T। P है यहाँ पे शक्ति जिसे पावर बोलते हैं, और E क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि ऊर्जा की खपत, जो कि ये बल्ब है जो जल रहा है ये क्या कर रहा है, ऊर्जा की खपत, लिख देता हूं यहाँ पे ऊर्जा की खपत बटे में टाइम, यानी किसी समय के साथ ये ऊर्जा की खपत कर रहा है, इसे हम बोलते हैं पावर। हम देखते हैं तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। ये क्या है, इसकी छोटी यूनिट, इसकी बड़ी यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP से लिखते हैं, और एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 740 वाट के। और एक वाट पूछ लिया जाए तो ये होता है एक जूल एक सेकेंड तक जो खपत करेगा उसे हम बोलते हैं एक वाट, यानी कि वाट की यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम जानते हैं किलो वाट आवर क्या होता है। तो जो घरों में बिजली के बिल आते हैं उसे निकालने के लिए, उसे पता करने के लिए हम ये किलो वाट आवर यूज करते हैं, इसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। हिंदी में इसे बोलते हैं व्यवसायिक इकाई। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, पावर का फॉर्मूला था E बटे में T, तो यहाँ पे जो टाइम है इसे हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। घरों में जो भी बिजली का बिल आता है वो इसी के अकॉर्डिंग आता है, किलो वाट आवर के हिसाब से आता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं, यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं चेंज करके। 1000 वाट होता है जो, ये बराबर होता है 1 किलो वाट के। तो देख ले हैं यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, हमें टाइम को कन्वर्ट करना है आवर के अंदर, किलो वाट इज इक्वल टू E बटे में टाइम, हमें आवर में चेंज करना है, इसके बटे में एक लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे किलो वाट आवर।
इस तरह से। यहाँ पे मैंने, आप यहाँ सोच रहे होंगे किलोवाट कहाँ से है, तो यहाँ पे जो पावर है इसको हमने चेंज किया है किलोवाट के अंदर। यहाँ पे ये यूनिट लिखा है किलोवाट बटे में एक लगा के, बाकी सेम है सारा फॉर्मूला। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ई, यहाँ पे ई की वैल्यू आ गई किलोवाट आवर। इस तरह से हम जो घरों के बिजली के बिल है वो निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया था, ई इज इक्वल टू किलोवाट आवर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे अगर जूल में बदलें, जूल में बदलेंगे तो किलोवाट का 1000 वाट और आवर का 60 × 60 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो ये बन जाएगा 36000003 5036 के साथ 50 जूल। नेक्स्ट देखें तो इसकी जो साइंटिफिक तरीके से इसे लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो आपको इस तरह से भी लिखा आ सकता है और इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, और ये बराबर होता है 1 kWh के। तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए जो पावर के 3 फॉर्मूले हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम फॉर्मूले पहले डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पावर का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू वी आई। सेकेंड इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। अब देखते हैं यहाँ पे P है पावर, V है वोल्टेज और I है करंट। इसी तरह से इसमें भी P पावर है, I जो करंट है और R है रेजिस्टेंस। इसी तरह इसमें P पावर है, V है वोल्टेज और R है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक न्यू नेम आया है हमारे पास वोल्टेज, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वोल्टेज क्या होता है तो देखिए यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ इस तरह से। ये है माइनस का और ये प्लस का। तो देखिए कि कोई चार्ज है जैसे क्यू चार्ज है, जब हम किसी इकाई आवेश को पर कार्य कर उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं उसे हम वोल्टेज कहते हैं। डायग्राम से समझिएगा, ये कोई इकाई चार्ज है, इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। फॉर्मूले से समझिएगा, V इज इक्वल टू होता है W बटा क्यू। V का मतलब है वोल्टेज और W है वर्क डन, जो भी यहां से लेके इसे यहां तक लेके आए हैं हम, इसे हम बोलते हैं वर्क डन। किसे लेके आए हैं, पर यूनिट चार्ज को। तो ये यहां से हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया है। करंट का फॉर्मूला देखते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बटे में टी। ये था करंट का फॉर्मूला। क्यू है यहां पे आवेश और टी है समय, और इसका करंट का जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो यहां पे सभी पॉइंट है जो क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हमने पढ़े थे पावर के ये 3 फॉर्मूले। फ्रेंड ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, इसको मैं अभी आपको याद करवा देता हूँ कि ये कैसे बने हैं फॉर्मूले। हमने पढ़ा था वोल्ट के बारे में, तो वोल्ट का फॉर्मूला था W बटे में क्यू। इसके अलावा हमने करंट का पढ़ा था, तो करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बटे में टी। तो अब देखते हैं ये कहाँ से बने हैं। यहाँ से हम W की वैल्यू निकालें
बटे में एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी VQ। इसी तरह देखिए पावर का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था कि पावर का फॉर्मूला था E बटे में T, ये था इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए ये क्या हो रहा है, एक वर्क हमने पढ़ा था कि ये एक वर्क डन हो रहा है, जिसे मैं वर्क लिख सकता हूँ बटे में टी। तो देखिए यहाँ से ये हो गया वर्क बटे में टी। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, वर्क की जगह डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू वी क्यू बटे में टी। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने वोल्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, वोल्ट था W बटे में Q, W था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये था वोल्टेज और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। इसके बाद हमने करंट पढ़ा था, तो करंट था I इज इक्वल टू Q बटे में T। यहाँ से हमने W की वैल्यू निकाली तो ये आ गई वी क्यू। पावर का फॉर्मूला था E बटे में T, ये था इलेक्ट्रिक चार्ज कि जो चार्ज खपत होता है, इलेक्ट्रिसिटी खपत होती है, उसे हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये था पावर। अब देखिए यहाँ पे इसे W बटे में T भी लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे W की वैल्यू है जो पुट की है इसके अंदर, तो ये आ गई वी क्यू बटे में T। अब देखिए हमने पढ़ा था करंट, तो इसे ये जो आ गया यहाँ पे रेड से आपको दिखाता हूँ, रेड कलर से, तो ये देखिए वी के साथ है क्यू बटे में टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, क्योंकि आई की वैल्यू थी क्यू बटे में टी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया पी इज इक्वल टू वी आई, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ से बना है, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको पता होना चाहिए वोल्ट का फॉर्मूला और करंट का फॉर्मूला, ये था डब्ल्यू बटे में क्यू और ये था क्यू बटे में टी, इससे ये बना है पावर का जो फॉर्मूला है। सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंड दिया है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, तो सेकेंड फॉर्मूला कहां से आया देखते हैं, तो ये आया है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, ये समझते हैं पहले। तो ये कहता है, यहाँ पे कोई सर्किट ड्रॉ कर देता हूं, इसमें कोई ना कुछ वोल्ट होगी और कोई है जो करंट यहाँ पे पास कर रहा हो, तो ये कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, कि जो वोल्टेज है इसके अंदर वो इक्वल होगी करंट और रेजिस्टेंस की जो मल्टीप्लाई होगी उसके, इक्वल होगी कि वोल्टेज जो भी होगी वो इक्वल होगी उसके करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के। तो ये कहता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। हमने फर्स्ट फॉर्मूले में पढ़ा है P इज इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पे V की वैल्यू है जो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू V की वैल्यू है आई आर और यहाँ पे एक आई है वो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो यहाँ पे ये हमारा पावर का सेकंड फॉर्मूला यहाँ से आया, फिर से रिपीट कर देते हैं, ये आया है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, कि वोल्टेज है वो इक्वल होगा करंट और जो रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, जो इनका रिजल्ट होगा वही इसका होगा। तो इसको हमने पुट किया है फर्स्ट फॉर्मूले में, इसमें P इज इक्वल टू वी आई में पुट किया है, V की वैल्यू है जो आई आर वो इसमें पुट की और एक आई यहाँ से था, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, यहाँ से सेकेंड फॉर्मूला बन गया। अब थर्ड देखते हैं फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसका थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, ये हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, यहाँ से हम अगर देखते हैं वी आई की वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बटे में आर, तो ये होगी आई की वैल्यू, इसको हम जो पुट कर देते हैं पी इज इक्वल टू वी आई के अंदर, जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसके अंदर आई की वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू वी इन टू वी बटे में आर, तो यहाँ से बन जाएगा P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, तो ये थर्ड फॉर्मूला हमारा यहाँ से बना है। तो इस तरह से हमने तीनों फॉर्मूले है जो पढ़ लिए हैं,
आई होप अब आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम कमर्शियल यूनिट पर। कमर्शियल यूनिट निकालनी हो घरों का, जैसे बिल आता है तो इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद आप खुद भी निकाल सकते हैं जो घर में बिल आता है बिजली का। तो देखते हैं एग्जांपल से कि कोई बल्ब है उसकी पावर दे रखी है 100 वाट और ये टाइम दिया है उसका कि एक घंटा जलता है दिन के अंदर। दिन में ये बल्ब एक घंटे ही जलता है, उसकी पावर है 100 वाट और एक यूनिट का रेट हमारे पास दिया हुआ है। एक यूनिट का जो रेट है वो है 7 रुपये। 7 रुपये हमें एक यूनिट का रेट दिया हुआ है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका बिल निकालना है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर ये कितनी यूनिट खपत करेगा और कितने रुपए का बिल बनेगा। तो देखते हैं हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला था पी इज इक्वल टू ई बटे में टी। यहाँ से ई हमें निकालना है, पी इंटू टी हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इसमें पुट करते हैं वैल्यू। पावर हमारे पास दी है 100 वाट, जिसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो उसके बटे में 1000 लगा देंगे, इंटू टाइम दिया है एक घंटा, तो यहाँ पे एक लगा देते हैं। इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 यूनिट या फिर किलोवाट आवर। अब देखते हैं हमसे पूछा कि 30 दिन में जो इसका बिल कितना बनेगा। तो 30 इंटू 0.1 यूनिट, तो ये बन जाएगा 3 बटे में 10 लगाएंगे तो ये कट के 3 किलोवाट आवर बन जाएगा। अब हमें पता है कि एक यूनिट का जो चार्ज है वो है 7 रुपये, तो 3 यूनिट का चार्ज हो जाएगा इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई बल्ब है उसकी पावर दी थी 100 वाट और ये एक घंटा ही चलता है और एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास थी 7 रुपये। तो 30 दिन का जो बिल हमें निकाला था, पावर का फॉर्मूला था पी इज इक्वल टू ई बटे में टी, तो E निकालना था, P इंटू टी हो जाएगा। पावर दी थी 100 वाट, इसको किलोवाट आवर में बदलने के लिए बटे में 1000 लगा देते हैं और घंटा था एक, पहले से ही घंटा बनाना नहीं पड़ा, दिया हुआ था। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 यूनिट, इस या फिर इसे लिख देते हैं किलोवाट आवर। फिर हमने 30 दिन से इसे डिवाइड किया तो 30 दिन में बन गया 3 यूनिट और 3 यूनिट को 7 से डिवाइड किया क्योंकि एक यूनिट का चार्ज था 7 रुपये, तो ये आ जाएगा 21 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें क्या है कि कोई बल्ब है, इस बार क्या है, इस बार हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 100 ओम और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हमारे पास है 200 वोल्ट। इस बार हमारे पास वोल्ट दिया हुआ है, तो ये जो है 100 ओम का बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 200 वाट और ये चलता है दिन में 4 घंटे। टाइम हमारे पास है 4 आवर और बिल निकालना हमें 30 दिन का, 30 डेज का बिल निकालना है और एक यूनिट का चार्ज हमारे पास है 3 रुपये। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम पावर के फॉर्मूले देख लेते हैं कौन से थे 3 फॉर्मूले। फर्स्ट था P इज इक्वल टू VI, सेकेंड हमारे पास था P इज इक्वल टू I² R और थर्ड था P इज इक्वल टू V² R। अब देखते हैं क्या हमारे पास दिया हुआ है, क्या कुछ दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें ओम दिया हुआ है यानी कि R दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V दिया है। तो देखते हैं इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें पुट कर देते हैं P
पी इज इक्वल टू वोल्ट दिया है 200, तो ये इसको स्क्वेयर है तो डबल कर दे देंगे, बटे में क्या है आर, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 100 है, इसको हम जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 400 वाट, पावर आ गई 400 वाट। अब हम ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 400 बटे में 1000। टाइम दिया था, टाइम हमारे पास है 4 घंटे, तो इसको हम जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 यूनिट। ये आपको पता चल गया कहाँ से आया है, P इज इक्वल टू ई बटे में टी था, तो E निकला है, E इज इक्वल टू आ गया P इंटू टी, तो यहाँ से E पावर हमने निकाल ली थी 400 वाट, इसको किलो वाट में चेंज किया है, बटे में 1000 लगा के, और टाइम दिया था 4 घंटे, तो ये आ गया 1.6 यूनिट। अब चेंज कर लेते हैं, पहले 1.6 यूनिट को 30 डेज में देखते हैं कितने यूनिट बनते हैं, तो ये बन जाएंगे बटे में 10 लगा के 16 या 48 यूनिट। अब 48 यूनिट हमारे पास बन गए हैं, और हमने पता था, हमें पता है कि एक यूनिट का जो चार्ज है वो है 3 रुपये, तो यहाँ पे 48 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 144 रुपीज़, 144 रुपये। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।